हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है योर टेक्नो फ्रेंड। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए यार, आप ही का चैनल है तो मेरे सारे एपिसोड्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, आपके जो हैं वो 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत से लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं, हो रहे हैं, और मोनेटाइजेशन के लिए आप जा रहे हो। मैंने पिछला जो 20th एपिसोड था उसमें बताया था कि किस तरह से आप मोनेटाइजेशन में जाने से पहले, रिव्यू में जाने से पहले अपने चैनल को एक बार कॉपीराइट नोटिस वगैरह चेक कर सकते हो। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है। अब मान लो कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होने वाला है, ठीक है, तो आपको किन चीज़ों का और ध्यान रखना है, क्या आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, किस तरह से एडसेंस के साथ अब हमारा लिंकअप होने वाला है, ये चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम अंडर रिव्यू जा चुके हैं, अब क्या हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना है, कुछ मतलब अब हम ज़्यादा वीडियोस डालें, कम डालें, कब वीडियो डालें, ऐसी वीडियो डालें, वैसी। तो दोस्तों, कोई आपका ऐसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल शुरू जिस तरह से आपका रेगुलर स्मूथ चल रहा है उसी तरह से चलने दो। दिन की एक वीडियो डालते हो एक ही डालो, दो डालते हो दो ही डालो, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है कि अंडर रिव्यू चला गया है तो अब मैं दो वीडियो ज़्यादा डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप रेगुलर डालते रहो, आराम से डालते रहो। और एडसेंस जब आपका अंडर रिव्यू जा चुका है तो इसका मतलब है कि आपका एडसेंस लिंक है, ठीक है, वो उससे रिव्यू में जाने से पहले ही लिंक हो जाता है, ठीक है। तो जो एडसेंस आपका लिंक हो चुका है, अब वहाँ पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आप मोनेटाइज हो जाते हो, आपको मिनिमम जब आपके $10 ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो कि 10 तारीख के बाद होते हैं यूट्यूब टू गूगल एडसेंस, तो जब वहाँ पे मिनिमम $10 आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे YouTube से, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए, उसमें आपको पासपोर्ट, कोई भी अपनी नेशनल ID, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है उसकी एक स्कैन कॉपी आपको लगानी पड़ती है, तो उसको बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस वही है। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले यही आज की मेन चीज़ है कि लोग सोच, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि जी हमारा अंडर रिव्यू जा चुका है, अब हमें क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ वेट करिए, वेट करिए। और जो मैंने पिछले एपिसोड में 20th एपिसोड में आपको प्रोसेसेस बताई है, उनसे एक बार अपने चैनल को खुद रिव्यू कर लीजिए। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत मिलती है उसको हटाइए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए चैनल को, ठीक है। अगर सब कुछ ओके रहा ना तो विद इन 7-8 डेज, मतलब जो भी एक हफ्ते का टाइम पीरियड रहता है उसके अंदर चैनल की मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 मंथ रहता है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। अगर सब कुछ ओके है तो 1 वीक के अंदर कम्प्लीटली जो है वो मोनेटाइज हो जाता है चैनल। इससे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर सेकेंडरी रिव्यू के लिए जाएगा चैनल, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरा पिछला एपिसोड देखें 20वां, उसमें मैंने जो प्रोसेसेस बताई है, अगर उससे अपना चैनल को एक बार रिव्यू कर लें तो आपको सेकंड रिव्यू में नहीं जाना पड़ेगा, आपको वहीं पे सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।